नीट पीजी 2019 क्वालिफाइड डॉक्टर्स, माय नेम इज गुलशन झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मीडिया। फ्रेंड्स, 2019-20 सेशन के लिए पीजी कर्नाटका की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। www.kea.kr.nic.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के तरफ से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को थॉरली पढ़ लें, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उस इंस्ट्रक्शंस के कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर देना चाहता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट सीटों के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ कुछ क्लॉजेस जो कि केईए की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं, उन क्लॉजेस में आप कौन से क्लॉज से बिलोंग करते हो, ये चीज़ें आप इंफॉर्मेशन डिटेल से को थॉरली पढ़कर ये चीज़ अपने अपने अनुसार आप समझ लें कि आप कौन से क्लॉज से बिलोंग करते हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए www.kea.kr.nic.in पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल डाउनलोड करनी है, वो आपको वेबसाइट पे NEET 2019 करके एक लेफ्ट साइड में लिंक आएगा, इन्फॉर्मेशन डिटेल उसमें होंगी। इन्फॉर्मेशन डिटेल लिंक को आप क्लिक करोगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। उस डाउनलोडेड फाइल को थॉरली आप पढ़ो, अपनी चीज़ों को अच्छे से जानो, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करो। उसके बाद अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको, जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती तब तक आपको अपने साथ रखनी होगी सेफली। तो वो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे होगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, तो लास्ट में जाकर के प्रिंटआउट आपको उसका निकालना है और उसकी 2 प्रिंटआउट कॉपी आपको अपने पास रखनी है टिल द एंड ऑफ योर एडमिशन। उसके बाद आपने जो फीस पेमेंट की, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट की, उसकी रिसिप्ट की एक कॉपी आपको रखनी है और रजिस्ट्रेशन करते टाइम में जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया है उस फोटो की पासपोर्ट साइज फोटो की 2 कॉपी आपको अपने पास रखनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते समय कृपया ध्यान दें कि मोबाइल नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो डालें और जो आप कैरी करते हो वही मोबाइल नंबर आप उसमें करेक्टली भरें। साथ साथ ईमेल आईडी को बड़े ध्यान से सही सही करेक्टली आपको फिल करना है, क्योंकि कर्नाटका से जुड़ी बाकी नोटिफिकेशन पीजी और एमडीएस की आपके उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। तो अगर आपने इसमें कुछ गलती की तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच सके और प्रॉब्लम हो बाद में, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। साथ में कर्नाटका ने और एक इंस्ट्रक्शन दिया है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको डेली 1-2 बार कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, जिससे कि वेबसाइट पर कुछ अगर अपडेट हुआ है तो वो आप तक पहुंच सके, तो आपको डेली विजिट भी करना है। चलिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की बात कर ले। एलिजिबिलिटी से पहले क्लॉजेस की बात कर लेते हैं। कर्नाटका स्टेट में बहुत सारे क्लॉजेस हैं, अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग क्लॉज से बिलोंग करते हैं। इन क्लॉजेस में क्लॉज ए से स्टार्ट होता है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ, क्लॉज जी, उसके बाद क्लॉज वाई और क्लॉज जेड है। अब आपको इन क्लॉजेस को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि आप किस क्लॉज से बिलोंग करते हो और रजिस्ट्रेशन करते टाइम, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको उस क्लॉज को उसमें मेंशन करना होगा। तो इस क्लॉज को आप अच्छे से पढ़ लो। 1-2 क्लॉज मैं आपको बता देता हूँ कि इन क्लॉजेस के अकॉर्डिंग क्या है। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे और उन्होंने अपनी MBBS और BDS का जो सर्टिफिकेट लिया होगा, जो पास किया होगा MBBS और BDS, वो उन्होंने कर्नाटका के किसी MCI रिकॉग्नाइज कॉलेज से किया होगा, तो इस तरीके के स्टूडेंट क्लॉज ए में आते हैं। क्लॉज बी की बात करें तो ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी एटलीस्ट 10 साल की पढ़ाई कर्नाटका के स्कूल से की है, वो गवर्नमेंट स्कूल हो सकती है या तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल हो सकती है और उन्होंने अपना 10th या 12th एटलीस्ट कर्नाटका के स्कूल या कॉलेज से पास आउट किया हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ क्लॉज बी में एक और पॉइंट है, उन्होंने अपना MBBS, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना MBBS या BDS कर्नाटका स्टेट के MCI रिकॉग्नाइज कॉलेज से किया है, वो स्टूडेंट भी क्लॉज बी में आते हैं।
तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो एक 10 साल की पढ़ाई मैंडेटरी है, दूसरी 10th या 12th की सर्टिफिकेट आपकी, आपने जो 10th और 12th किया वो आपको कर्नाटका स्टेट से किया हुआ होना चाहिए एटलीस्ट एक चीज़ 10th या 12th में, और तीसरी MBBS BDS की डिग्री आपने कर्नाटका में जो कॉलेज है उससे की हुई होनी चाहिए, जो कि MCA रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। क्लॉज सी की बात करें तो क्लॉज बी के जैसा ही है, 10 साल की पढ़ाई 10th या 12th आपने कर्नाटका से किया हुआ होना चाहिए, मगर अगर आपने MBBS और BDS किसी बाहर स्टेट से भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उन केस में आप क्लॉज सी में आ जाओगे। तो इन चीज़ों को आप, इन क्लॉजेस को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके बाद अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें कि आप क्लॉज ए में आते हैं, क्लॉज बी में आते हैं, क्लॉज सी में आते हैं, क्लॉज वाई में आते हैं, क्लॉज जेड में आते हैं, क्लॉज ई में आते हैं, जिसमें भी आप आते हैं उस क्लॉज को फिगर आउट करें, क्योंकि ये क्लॉज आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, इसी के बेसिस पे आपकी आगे काउंसलिंग होगी और सीट अलॉटमेंट होगी। तो आइए चलिए थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि प्राइवेट सीट्स पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो प्राइवेट सीट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है, एक GMP जिसे जनरल मेरिट प्राइवेट कहते हैं, OPN जिसे ओपन सीट कहते हैं, एक है आपका रिलीजियस बेस्ड माइनॉरिटी जिसे MC कहते हैं, और एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जिसे MA कहते हैं। अगर GMP की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी है, GMP सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी है कि सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है, और दूसरी चीज आपको B या C क्लॉज, क्लॉज बी या क्लॉज सी में से किसी एक क्लॉज को फुलफिल किया हुआ होना चाहिए, मतलब 10 साल की पढ़ाई और 10th और 12th में कोई एक चीज आपको कर्नाटका स्टेट से हुई होनी चाहिए, और MBBS BDS आप MCI रिकॉग्नाइज कॉलेज से किया हुआ होना चाहिए। तो आप या तो बी या तो सी क्लॉज को फुलफिल करते हुए होने चाहिए, तब आप GMP के लिए एलिजिबल होंगे। ओपन सीट्स की बात करें तो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मैंडेटरी है, इसके साथ साथ आपने अपना MBBS क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से करें, सिर्फ MCI रिकॉग्नाइज कॉलेज से किया हुआ होना चाहिए। तो ये हो गई ओपन स्टेट के लिए। इसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें, MC, तो रिलीजियस बेस्ड माइनॉरिटी में दो माइनॉरिटी हैं, एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी और एक मुस्लिम माइनॉरिटी। क्रिश्चियन माइनॉरिटी कर्नाटका के डोमिसाइल भी हो सकते हैं और नॉन कर्नाटका भी हो सकते हैं, उसी तरह मुस्लिम माइनॉरिटी भी कर्नाटका के डोमिसाइल भी हो सकते हैं और नॉन कर्नाटका भी हो सकते हैं। तो इन सब में फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो कर्नाटका डोमिसाइल रिलीजियस माइनॉरिटी को दी जाएगी, और उसके बाद नॉन कर्नाटका रिलीजियस माइनॉरिटी को दी जाएगी। इसके साथ साथ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी की बात करें, जिसे शॉर्ट में MA कहते हैं, वो वैसे पर्सन जो कि लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपकी लैंग्वेज अगर तमिल है या तेलुगु है या कुडावा है या तुल्लू है, तब आप उस लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी प्राइवेट सीट के लिए एलिजिबल हो, और साथ साथ में आपकी जो पढ़ाई है 10 साल की वो कर्नाटका से होनी चाहिए, और 10th और 12th में से कोई एक चीज़ आपको कर्नाटका से पास आउट होना चाहिए। तो ये थी हमारी प्राइवेट सीटों पर एलिजिबिलिटी की बात, ठीक है। इसके बाद सारे इंस्ट्रक्शंस को जानने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आपको http://kea.kar.nic.in पर जाना, या तो सिंपली आप कर्नाटका के ऑफिशियल वेबसाइट www.kea.kar.nic.in पर जाओगे तो लेफ्ट साइड में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक फील्ड मिलेगा। उस फील्ड पर जब आप जाओगे तो आपको अपना यूनिक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। यूनिक आईडी क्रिएट करने के बाद आपको अपना कैंडिडेट का अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका NBE का स्कोर क्या है वो आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्लॉज कैटेगरी रिजर्वेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने होंगे। तो क्लॉज जब डाल रहे होंगे तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि उन क्लॉजेस को अच्छे से पढ़ लीजिए, ABCDEFGYZ क्लॉज तक है, तो इन क्लॉजेस को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप कौन से क्लॉज में आ रहे हैं और उस क्लॉज को फिलअप करें। कैटेगरी देख लीजिए
किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशंस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छे से फिलअप कर लीजिए। एजुकेशनल, उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जिसमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड्स होंगे और उसमें आपको पूरी एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करनी है। अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं या फिर अगर आपने इन सर्विस में हैं, तो आपको इन सर्विस डिटेल भी उसके बाद फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ के साथ साथ आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी डालना होगा। फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ आप अच्छे से डाल लें और इन तीनों चीज़ की फोटोकॉपी अपने पास रखें। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी रजिस्ट्रेशन की, और वो रजिस्ट्रेशन फीस आप पेमेंट करके, जैसे ही आप उस रजिस्ट्रेशन फीस को पेमेंट करें, उसके बाद आपको प्रिंटआउट ले लेना है। उस प्रिंटआउट का दो कॉपी आपको अपने पास रखना है और सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ये एक स्टेप वाइज स्टेप मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन करने का क्या 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 स्टेप्स हैं। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। आगे की वीडियो में मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें या तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें। यदि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आपको आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन से चॉइस लॉकिंग करनी है, उस चॉइस लॉकिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनानी हो, प्लानिंग करनी हो, तो भी आप करियर मीडिया की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इस कंटेंट का, इस वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी की अपडेट्स पीजी से रिलेटेड जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।